नमस्कार, मैं मनु सिंह। हमारे साथ है सीनियर एडवोकेट मिस्टर सिंह कुमार। क्या होती है आईपीसी और सारे नागरिक बस का क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग। सो टुडे वी गोइंग टू टेक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 13 लेने वाले हैं आज हम लोग। प्रीवियस में हम लोग 12 तक बनाए हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जैसा हम हर वीडियो में बताते हैं, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को और बेल आइकन दबा दिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आए तो वो आप तक पहुंच जाए। चलते हैं सर के पास, ऋषेश कुमार सिंह जी और मैं सिद्धार्थ सिंह। ठीक है, आज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 13 के बारे में बताएं जी। अभी तक एनजीओ में कैसे कॉन्ट्रैक्ट को आप इन्फोर्समेंट करा सकते हैं ये सब बताया मैंने धारा 12 में, है नहीं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को है क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बताया है नहीं? अब आज हम 13 में बताएंगे कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी संविदा जिसमें विक्रेता को या तो हक नहीं प्राप्त है या इम्परफेक्ट है, ठीक है, दो तीन चीज हो सकती, या आंशिक रूप से अधिकार हक प्राप्त है और वो सेल कर देता है। आंशिक क्या हुआ सर? मतलब कुछ हक प्राप्त है। अच्छा, मतलब तीन चीजें हो सकती, पूरी पूरी तरीके से जमीन, या तो आप जमीन के पूरे मालिक हो जी, है ना, तो जहां विक्रेता ऐसा है जी कि जिसको हक पूरी तरह से प्राप्त नहीं है। ऐसा कौन सा हक होता है बताते हैं जी, है ना, जिसको पूरी तरह से हक नहीं प्राप्त है जी, या आंशिक हक प्राप्त है जी, और या पूरी तरह से हक प्राप्त नहीं जी। जहाँ पूरी तरह से, अब आप जान लीजिए कि पूरी तरह से हक प्राप्त नहीं है, आप किसी लैंड को सिर्फ जोताश के रूप में प्रयोग करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, लेकिन उसके आप हकदार नहीं है जी। अगर आप वो बेच देते हैं जी, कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर लेते हैं, तो दूसरी चीज हो गई। ठीक जी, एक तीन चीजें हैं, या तो आप कंप्लीट आपका कोई हक नहीं है, आप सिर्फ उसको दिखाने के लिए जोत रहे हैं, ठीक, कल्टीवेशन हो रहा, एक स्वामी तो आपका कुछ नहीं है, तो आपका क्या इसमें हक पूर्ण रूप से आप हक उसमें नहीं बनता आपका जी। दूसरी चीज है कि आपका आंशिक है हक है, ठीक, आंशिक हक मीन्स आपको, जैसे आपने उस जमीन को मॉर्गेज कर दिया, आप जोत रहे हैं उसको, है ना, आप क्रेता तो आपकी जमीन देख के आपसे एग्रीमेंट करवा लिया है जी। तो ये दो तीन चीजें हैं, है ना जी, आंशिक हक, पूर्ण हक, अपूर्ण हक, है ना जी, आपको पूरा नहीं है, आंशिक है जी। अब आप जब उसको सेल करते हो, तो मैंने एक वीडियो पहले डाला था जी, भूमि भार मुक्त प्रमाण पत्र, अगर आप कोई डीड, कोई जमीन का कोई डीड नहीं हुआ है, मॉर्गेज नहीं हुआ है जी, तो आपको भी भार मुक्त प्रमाण पत्र मिल जाएगा, है ना, इनक्रमबंसी सर्टिफिकेट, तब आप समझ लीजिए कि वो जमीन बिकी नहीं है, उसका स्वामित्व प्राप्त है, ठीक है। कि किसी को अगर जमीन लिखाना है कहीं, अगर क्रय करना है लैंड को, तो सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर उसका इनक्रमबंसी सर्टिफिकेट प्राप्त करें, भार मुक्त प्रमाण पत्र 12 साल का ले लें आप, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जमीन कहीं अलग बंधक नहीं है, विकृत नहीं है जी, ये भार मुक्त है पूरी तरह से। अच्छा, उसको भार मुक्त कहते हैं। अच्छा, 12 साल की हिस्ट्री उसकी ले लें, हिस्ट्री ले लें जी, तो उसमें फिर इत्मीनान हो जाएगा कि ये जमीन पूरी तरह से आपकी, आप जो विक्रेता है जिससे आप क्रय कर रहे हैं उसकी है जी, एग्जैक्टली, ठीक है। 12 साल की, और सर उससे पहले अगर हुआ हो तो लोग 30 साल तक चेन ले लेते हैं। अच्छा, है ना जी, तो उसके लिए फिर वो खतौनी का चेन लेते हैं लोग जी, है ना, या तो 30 ईयर का खतौनी चेन ले लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये खाता किसके नाम रहा है इसके पहले जी, कहीं बिका तो नहीं है जी। या अगर आप भार मुक्त प्रमाण पत्र चाहते हैं तो रजिस्ट्रार ऑफिस से मिल जाएगा, जहाँ सब लोग रजिस्ट्री करने जाते हैं, बैनामा वगैरह करते हैं जी, ठीक। तो अब मैं अपने सब्जेक्ट पे आता हूँ, धारा 13 में ये है कि क्या अगर उससे कोई ऐसे स्वामी से जिसका कोई अपूर्ण अधिकार प्राप्त है या पूरी तरह से अधिकार नहीं है, ठीक है, या आंशिक अधिकार है, है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो क्रेता, अब अगर उसकी संविदा कर लिया है किसी ने कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, जो क्रेता हो चाहे पट्टेदार हो, उसको पट्टा ले लें, देखिए दो तरह से ट्रांसफर हो सकता है,
या तो बैनामा कर दिया जाए प्रतिफल लेके कॉन्ट्रैक्ट तो संविदा जिसको हम बताते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे हैं, ये तो आप समझ रहे हैं ना, जो बैनामा क्रय विक्रय ये सब एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है ना, जिसमें आप कुछ देते हैं और कुछ पाते हैं। तो हम उसी को बता रहे हैं कि अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है जी, क्रेता या जो लीज ले रहा है, लीज पे ले रहा है जमीन को, ठीक, तो वो उसको कंपेल करा सकता है, उसको परफॉर्मेंस उसका करा सकता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत कि नहीं करा सकता, नंबर एक जी, उसका क्या हक प्राप्त है विक्रेता को। तो जहां अब अगर जैसे किसी जमीन पे आप किसी को अपूर्ण हक प्राप्त है और वो एग्रीमेंट टू सेल कर देता है या कॉन्ट्रैक्ट टू सेल करता है, ठीक, और बाद में वो सब्सिक्वेंट भूमि उसको मिल जाती है किसी तरह से, तो फिर वो न्यायालय पे जाके जो वेंडी है, जो क्रेता है या जो लीजर है, जो मतलब पट्टा ले रहा है, वो न्यायालय पर जाकर उसका परफॉर्मेंस कंपेल कर सकता है जी, और अपना प्राप्त कर सकता है, उस संविदा को परफॉर्म करा सकता है जी, ठीक है। इसी सब्जेक्ट पर मैंने इनकम रजिस्ट्री सर्टिफिकेट की बात करी है जी, मैंने इसके लिए पहले ही बताया कि सावधानी, अगर कहीं आप जमीन खरीदते हैं तो 30 साल की हिस्ट्री, तो 30 साल की खतौनी की हिस्ट्री जी, और 12 साल की इनकम सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार ऑफिस से भार मुक्त प्रमाण पत्र जी, है ना, वो रजिस्ट्रार कार्यालय से मिल जाता है, ठीक है। मैं फीस जमा करना पड़ता, फीस कितनी होती सर? वो 5 रुपीज पर ईयर के हिसाब से लेते हैं। अच्छा, तो मतलब कि आपका हो जाएगा 10 ईयर का 500, जो भी हो, मतलब उसकी फीस तो बहुत कम है, 5-10 मेरे ख्याल से 50 रुपीज होगी, है ना, वो मुआयना का जो भी खर्च है जी, वो लेकर और आप वहाँ डाल देंगे, तो वो सर्टिफिकेट सत्यापित करके मुहर लगा के दे देते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस से, साहब ये जमीन भार मुक्त है, इसको आप क्राय कर सकते हैं जी, और या फिर आप उस जहाँ लिखाना चाहते हैं उसकी खतौनी ले लीजिए और 30 साल का चेन देख लीजिए जी। तो इसमें भी सर सेम क्या कहते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ेगा? नहीं, यहाँ मुहाफिज खाना होता है हर तहसीलों में, मुहाफिज खाना, हाँ, और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर भी होती है, तो हर तहसील की खतौनी वहाँ कलेक्टिव होती है, जी, है ना जी, हर खतौनी का बस्ता अलग होता है, तो उससे आप वहाँ जाकर मुआयना कर सकते हैं और असलियत का जानकारी ले सकते हैं। यहाँ आपको हम बता रहे थे कि किस हद तक लागू कर सकते हैं, ठीक है, तो आप कंपेल कर सकते हैं अगर सब्सिक्वेंट कोई डीड हो जाए तो भी, ठीक है ना, जैसे आपने एग्रीमेंट सेल किया, उस व्यक्ति ने जो क्रेता है वो ये उस विक्रेता से ले रहा है जिसका हक जमीन पर है नहीं है, अच्छा, है अगर कोई ऐसा अपूर्ण है जी, या आंशिक है जी, ठीक है जी, या बिल्कुल नहीं है, तो उसको जहां उसको आप नंबर एक कि जो बेंडी है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को संविदा को प्रभावी कर सकता है जी, या जी देखिए दूध पर एकदम अगर किसी को टाइटल नहीं है, ये कुछ है ही नहीं जी, और वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता तो वो एक तरह से जीरो ही कॉन्ट्रैक्ट है जी, अगर कोई सब्सिक्वेंट डीड हो जाती है उसको जी, और वो स्वामी हो जाता है उसका जी, उसको हक रिटर्न मिलता है सब्सिक्वेंट डीड में, तो भी आप उसको कंपेयर करा सकते हैं, मतलब वो संपत्ति क्रेता जो है पा सकता है, वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत दावा करके, अगर विक्रेता का पहले जो टाइटल नहीं है उसका हक नहीं प्राप्त है, अगर सब्सिक्वेंट कोई डीड किसी के द्वारा उसको हक प्राप्त हो जाता है, अच्छा, तो आप उसको कंपेयर करा सकते हैं उसको जमीन देने के लिए, अच्छा, कंपेल मतलब मैं समझा, मतलब उसको उस पर आप हाँ इन्फोर्समेंट करा सकते हैं, कंपेल मींस मतलब जिसका पूरा हक नहीं बनता है, हाँ, वो पूरा हक नहीं बनता है, वो तो आपने जानबूझ के अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हाँ, है ना, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पहले से कर रहे को, मतलब एक एग्रीमेंट टू सेल करा लिया, ठीक, और वो जमीन बाद उसके पास नाम नहीं है, बाद में कोई उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और उसके नाम हो जाती है, ठीक, तो भी आप उसको सब्सिक्वेंट डीड का भी आप इंटरेस्ट उसकी संविदा आपने जो पहले कराया है उसको कंपेयर कर सकते हैं, इन्फोर्समेंट करा सकते हैं।
ठीक है। अब आप देखिए, जहां अपूर्ण स्वामित्व है, जान लिया मॉर्गेज है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो जमीन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, संविदा करते हैं जिसके लिए, विक्रय के लिए, उसको मॉर्गेज किया रहते हैं पहले से, तो उसमें क्या स्वामित्व हुआ, अपूर्ण स्वामित्व प्राप्त है विक्रेता को, उसका स्वामित्व तो उसने मॉर्गेज कर रखा है, लेकिन वो तब भी किसी से अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, संविदा कर लेता है, तो भी उस संविदा का के लिए इन्फोर्समेंट किया जा सकता किया है। ठीक है, क्या इन्फोर्समेंट हो सकता है मॉर्गेज का, वो मॉर्गेज खारिज करा ले, ये विक्रेता की जिम्मेदारी हो जाती है। ठीक, तो आप न्यायालय में जाके उसको उसको इसलिए खींच सकते हैं न्यायालय में कि वो उसको वो रैंडम करावे, मींस उसका मॉर्गेज खत्म करावे। मॉर्गेज क्या हुआ सर? मॉर्गेज मींस बंधक। अच्छा, एक आदमी से, एक बैंक से पैसा लेके कर दिया, अच्छा पजेशन प्राप्त रहता है उसमें। ठीक है, मॉर्गेज दो तरह का होता है, एक विद पजेशन होता है और एक विदाउट पजेशन होता है। बैंक, ज्यादातर बैंक से लोग लोन ले लेते हैं और वो बिना पूरा, मतलब मॉर्गेज तो हो गया लेकिन पजेशन वो आदमी का रह जाता है। अब उसने आपको खेत दिखा दिया, प्लॉट जो कल्टीवेट जहाँ करता है ना, जैसे आजकल केकेसी, जैसे आदमी लोग करते हैं, ज्यादातर बेईमानी आजकल ये होती है केकेसी में, तो ये होता है बैंकों में, बैंक में मॉर्गेज है, वही जमीन लोग सेल कर देते हैं, तो वहाँ दो स्थित हो सकती है। जैसे जो मॉर्गेज संपत्ति है, वो अगर मॉर्गेज जो किया है और जो विक्रय मूल्य है, उसमें एक चीज ज्यादा हो सकती है, कितना आपने मॉर्गेज किया, अगर विक्रय मूल्य के अंदर है तो आप उसको कंपेल कर सकते हैं उतना लेने का। जी, ठीक है जी। तो इस तरह से न्यायालय पर आप जाके इस संविदाओं को, जिस पर कोई हक नहीं प्राप्त है, जो अपूर्ण हक है, जो आंशिक हक है, जी ठीक है, या नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप धारा 13 के तहत कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। कोर्ट में आप उसको इन्फोर्समेंट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत करा सकते हैं। मैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करता हूँ, विनिर्दिष्ट संपत्ति को आप, देखिए सिविल राइट, मैंने पहले दिन बताया जी, सिविल राइट, सिविल राइट को इन्फोर्समेंट करने का ये एक्ट है। ठीक है, लेकिन प्रोसेस सीपीसी के तहत है ना, वकील जो कोर्ट पे प्रोसेस करेगा वो सीपीसी के तहत, सिविल प्रक्रिया संहिता के लिए के तहत कार्यवाही करेगा, और इन्फोर्समेंट होगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, कोर्ट उसके उस धाराओं के तहत कार्यवाही कर दे। ठीक है जी, थैंक यू सर फॉर योर टाइम। तो गाइस आपने देखा किस तरीके से सर ने एक्सप्लेन किया, अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। व्यूअर्स के बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं हर एंड यूजर तक पहुंचने की, हर क्वेश्चन के आंसर देने की। हो सकता है आपके क्वेश्चन के हम टेक्स्ट में आंसर ना दे पाए, लेकिन हम वीडियो के थ्रू देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये शेड्यूल थोड़ा सा हम लोगों का टाइट चल रहा है, थोड़ा सा हम लोग बिजी हैं, बट हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि किस तरीके से आपके हर क्वेश्चन के आंसर दे सकें। अगर आपके पास कोई सजेशन है हमारे वीडियो के लिए तो प्लीज़ दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि सेम प्रॉब्लम से अगर कोई परेशान तो उस तक ये वीडियो पहुँचे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आए तो आप तक पहुँच जाए। थैंक फॉर वॉचिंग।